प्रोबेबिलिटी यूनिट 13 और 2023 में इसका वेटेज क्या है, 1+1 माने एक एक नंबर के दो और तीन नंबर का एक, पांच नंबर का आएगा। तो मैं एक्सरसाइज के हिसाब से फॉर्मूले बताता जाऊंगा, ठीक है। पहली वाली एक्सरसाइज में जो 9th, 10th, 11th में चलता है ये फॉर्मूला, और प्रोबेबिलिटी का मेन बेसिक फॉर्मूला है ही ये, इसको रीड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि जे कब लगाया जाता है। जैसे तुमसे जे कहा जाए कि एक डाई को थ्रो करो कितनी बार, एक बार, तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, राइट। जैसे एक डाई को थ्रो करें तो वन आ सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। अब इसमें से जे कहा जाए कि तुम्हारा फाइव आ जाएगा तो तुम जीत जाओगे, तो फाइव आ जाएगा तो जीत जाओगे, इसका मतलब तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइव माने तुम्हारे फेवर में क्या है, एक ही नंबर, और टोटल कितने हैं, तो किसी भी एक डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, जो तो है 9th, 10th का कंसेप्ट। अब 11th वाला भी कंसेप्ट यहां रिपीट कर दिया है, और तुम्हारे एग्जाम में 12.1 से तो 100% एक सवाल आना ही आना है तीन नंबर का, ठीक है। बाकी का और 12.23 कहीं से भी जा सकता है, तो यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर और यहां टोटल इवेंट्स, ठीक है। नंबर दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE/F इक्वल टू PE/F/PF, ठीक है। मैं बताऊंगा जी कैसा लगता है भाई, इसी पे आना है सवाल, इसी कंडीशनल वाले पे, और PE/P E इंटरसेक्शन F ऊपर का हिस्सा जैसा का जैसा रहता है, नीचे P, याद करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है, इसमें F नीचे है तो PF रहता है, इसमें E नीचे है तो इधर PE नीचे रहती है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मूड नहीं खराब कर रहे, थ्योरी तो बहुत है बताने के लिए इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दैट PE, इसको ऐसा पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, ठीक है। PE इक्वल टू दिया है 0.6, PF दिया है 0.3 एंड PE इंटरसेक्शन F दिया है 0.2, ठीक है। अब सुनो, तुमसे इन्होंने दोनों चीज पूछी है, फॉर्मूला नंबर 2nd और 3rd दोनों, ठीक है। तो पी मैं डिटेल बताऊंगा भैया, तो पीई अपॉन एफ का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, अभी तो सवाल जैसा कर रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, पीई अपॉन एफ पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कॉमन है 0.2 और पी एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है। दोनों के पॉइंट हट जाएंगे तो आंसर बचेगा 2/3। सेकंड पी एफ अपॉन ई पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, तो जी कैलकुलेशन करना सीख लो बस, इसमें तो कॉमन तो 0.2 ही है और PE है 0.6,
तो इसके तो पॉइंट हट जाएंगे दोनों के, ठीक है। हाँ वैल्यू सही चल, तो ये 2/6 माने 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, और 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक ऐसे ही करना है। फिर भी मैं चलो एक फोर्थ वाला बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है ये सेकंड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा 100%, 100%, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाले में है गिवन में PA, मतलब किसी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.8, PB दिया है 0.5 और PB अपॉन A दिया है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PB अपॉन A दिया है 0.4। अब तुम्हें इसमें 3 चीजें निकालनी है, 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, नंबर 2 पी ए अपॉन बी, तीसरा पी ए यूनियन सी। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, अब समझ लो कैसे। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। अब देखो कैसे, क्योंकि जी बी अपॉन ए दिया है, यहां पे लिखेंगे बाई फॉर्मूला, पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या है, बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए, ठीक है। हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई में ले आओ, तो पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई पी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन। तो यहां पर पी बी अपॉन ए की वैल्यू दी है उन्होंने 0.4, मल्टीप्लाई पी ए दिया है कितना 0.8, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 832, 0.3 मल्टीप्लाई तो सही कर लोगे, 8 × 32 दो डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें। जी पी ए अपॉन बी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है जी निकाल दिया 0.32 और पी बी कितना है, ठीक है। अब सुनो, कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में, तो उसका सबसे बढ़िया रट्टा साफ हो जाता है पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अगर डिजिट हो तो उसके बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। इसके दोनों के पॉइंट बराबर हैं, दोनों डेसिमल के बाद, तो पॉइंट हटा दो, है ना, और इसे काट दो 2 से, तो 16/25 आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8, पी बी की वैल्यू 0.5, इंटरसेक्शन निकला अपना 0.32, तो प्लस माइनस तो कर लेंगे मैं डायरेक्ट लिख दूं, जो हो जाएगा 80 और 50 मान लूं, 80 और 50 कितने हुए 130 में से 32 चले जाएंगे 0.98, है ना, कर लोगे ना। और अगर नहीं आए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 1.3 हो जाएगा, तो इसमें से क्या माइनस करना है 0.32, है ना, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8 और 13 में से 4 गए तो कितने 9 और 0 ऑनलाइन, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो पैसे बना लिया करो,
अस्सी पैसा पचास पैसा, अस्सी और पचास पैसे के तो एक रुपए तीस पैसे, एक रुपए तीस पैसे में बत्तीस चले जाएंगे तो 0.98 हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे, फॉर्मूले लग रहे हैं डायरेक्ट। ओके अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। तीन फॉर्मूले और एक वो 11th क्लास का पीई यूनियन एफ पीई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब इसका मीनिंग पता चलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में तीन सवाल है, एक करवा रहा हूं, ठीक है, या तीन ही हो जाएंगे। चलो एक सिक्के को तीन बार उछाला जाए, मतलब 1 coin throwing 3 times। तो सुमित तुम बताओ, जैसे तुम्हें एक सिक्का दे दिया जाए और जो कह दिया जाए इसे थ्रो करो, उछालो, एक तो एक सिक्के को पहले एक बार उछालेंगे, फिर रीडिंग नोट करेंगे, फिर दोबारा उछालेंगे, फिर तीसरी बार उछालेंगे, तो इमेज करो क्या आया तुम्हारा। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हाँ यहाँ लिखेंगे a point throwing 3 times, then sample space head. तो अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब दिया करेगा, दूसरा नहीं देगा। तो मजा देवांश, एक सिक्के को तीन बार उछालना तो हेड 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 भी आ सकता है। कितनी इवेंट्स आएंगी? 6, 8। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, मैं बता दूंगी। अब सुनो, अरे क्यों होता है फॉर्मूला, सुनो ध्यान से सुनना। सिक्के में कितने फेस होते हैं? दो। तो जो फेस होता है वो नीचे लिया जाता है, कितनी बार फेंक रहे हैं वो आ जाएगा पावर में, मतलब 2 की पावर 3 माने 8 सैंपल पॉइंट पता चले, मतलब तुम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि 8 सैंपल पॉइंट बनना है, ठीक है। तो एच एच फिर एच एच टी टी एच 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 टी एच फिर टी 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 एच, मतलब ऊपर की लाइन लिखने के बाद जहां टी दिख रहा है वहां एच कर दो, जहां एच दिख रहा है वहां टी कर दो। ठीक है, तो कोई भी रिपीट नहीं होगा, सारे बन जाएंगे, आठ बन गए। अब यहां पर उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेट इवेंट ई हेड ऑन थर्ड टॉस, माने इवेंट ई वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कितनी इवेंट्स हैं जिसपे हेड तीसरे नंबर पर आ रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक है। तो ये एच 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 तीसरे नंबर पे एच चाहिए, जिन्हें चलेगा ये चलेगा, पी एच एच ये एच टी एच चलेगा, बोलो मत मन में सोच लो बस, और टी टी एच, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, मतलब अपने थ्रो किया पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तो इवेंट हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, मतलब शुरू में पहली बार और दूसरी बार हेड आना चाहिए। तो ऐसी इवेंट्स हैं यहां पर दो, एक तो जी चलेगा पहला पॉइंट, ठीक है, और टी एच एच चलेगा,
बस दो ही बनेगी। अब ई और एफ में कॉमन कितना है? तीन बार है ना, ठीक है। अब उसके बाद तुमसे उन्होंने सवाल पूछा है कहां से, क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में, 8 में, 9 तक सब में पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, ठीक है। पी ई धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगे। देखो सर अब तो जिस समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला बनता मतलब लगता कैसे, अभी इसमें और भी चीजें पता चलती चली जाएंगी, इसमें फॉर्मूले में बहुत गहराई है। तो सवाल जब पूरा वर्ष में आएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला लगता कब है, क्योंकि तो अभी तक तो क्या चल रहा है, डायरेक्ट वैल्यूज दे रहे हैं, लगा रहे है ना। तो कॉमन टोटल सैंपल स्पेस में पॉइंट्स कितने हैं? 8। तो एच 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 आई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8, ठीक है। जैसे एक सिक्के को 3 बार फेंके, तुम जीतोगे कब? उसने कह दिया 3 बार एच आए तब जीतोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। और पी एफ में, एफ में कितनी इवेंट है? 2। तो 2/8, तो जिसका आंसर हो गया 1/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो इसमें इस सवाल में 3 हिस्से हैं, तो सवाल सबको कराऊंगे कल लोगे बताओ हैं? कल लोगे? चलो एक और करो, सेकंड और करो। ये इवेंट्स बदल जाएंगे, सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, ये इवेंट्स बदल जाएंगी तो ये पॉइंट भी बदल जाएंगे, यहां से चेंज हो जाएगा सारा और आंसर भी बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूले हटा रहा हूं। हाँ अब सुनो, एट लीस्ट टू हेड जैसे किसी ने कह दिया कि कम से कम 2 बार हेड आ जाएंगे तो तुम जीत जाओगे, तो 2 बार हेड वाला पॉइंट चलेगा, 3 बार हेड वाला पॉइंट चलेगा। तो कम से कम 2 हेड माने कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, तो कम से कम 2 हेड वाले, सुनो कम से कम माने 2 हेड वाले पॉइंट कौन कौन से? एच एच टी टी एच कॉमा लगा दिया, टी एच 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 टी एच और स्टार्टिंग वाला और पहला। अच्छा और कोई पॉइंट नहीं चलेगा ना? नहीं सर। कम से कम 2 हेड का मतलब हो गया 2 हेड तो होने ही चाहिए, ठीक है। 3 हेड भी हो सकते हैं। और एफ वाली इवेंट दिए उन्होंने एट मोस्ट 2 हेड माने अधिकतम 2 हेड, तो एट मोस्ट 2 हेड माने अब किसी ने कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड माने 2 हेड वाले, 1 हेड वाला और 1 भी हेड नहीं आता तो भी चलेगा। जैसे कि तुम किसी से गेम खेल रहे हो और गेम खेलते समय उसने करीब अधिकतम 2 हेड आएंगे तो तुम जीते जाओगे, अधिकतम 2, तो 1 भी नहीं आया तो भी तो तुम जीते हुए माने जाओगे, मतलब हारोगे कब? 3 हेड आया तभी जीतो हारोगे ना, तो एट मोस्ट 2 हेड। तो सुनो ये वाला पॉइंट अगर आ गया किसी का तो हार जाएगा और बाकी सबको जीतेगा, है ना। 7 पॉइंट आ जाएंगे, एच एच टी टी एच 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 टी एच टी 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 एच एच टी टी और टी एच टी
ठीक है। इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन कितने हुए? कॉमन क्यों? एच एच टी हो गया कॉमन, टी एच एच हो गया, एच टी एच हो गया, मजे नहीं आएगा ठीक है। अब फॉर्मूला यही लगेगा, यहाँ लिखना है ना भाई फॉर्मूला, टी एच क्यों कॉमन में कितनी इवेंट है? तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 3/8 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और एफ माने इसमें कितनी है? 7/8 पुरस्कार मिल गया, मैंने बोल दिया अध्ययन नहीं पकड़ पा रहे थे, शांति पूर्वक सुनते जा ठीक है। बोर हो जाओ बस शांत बोलना नहीं है किसी को भी। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग पॉइंट वाला ही है, और चलो क्वेश्चन नंबर 8, 9 है तो इस समय ऐसे ही 9 वाला करवाते हैं। 9 वाला और नहीं यहां तो कल पूछ लेना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ, ए हम ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलो तुम्हें प्रैक्टिकली बताएंगे इसका मीनिंग ठीक है। एक घर में माता जी हैं, पिताजी हैं और उसका लड़का है, कितने लोग हैं? 3 ठीक है। और वो क्या करवाते हैं? एक लाइन में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, एक लाइन में फोटो खिंचवाते हैं। तो तुमको बताओ वो कितनी तरीके से खड़े हो सकते हैं? यहाँ लिखे, यहाँ लिखेंगे फोर, अरेंजमेंट ऑफ पिक्चर, हाँ टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 8। पहले 6 कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे सुनो, मदर फादर सन है ना, फिर मदर सन फादर, फिर स्टार्टिंग में पुत्र को लेना है या पिताजी को लेना है, तो फादर सन मदर और फादर मदर सन, और शुरू में लड़के को ले लें सन मदर फादर और सन फादर, तो 6 पॉइंट इतनी तो कल लगा लोगे, 6 तरीके से फोटो खींचेंगे। अब इन्होंने इवेंट ई सन ऑन वन एंड, मतलब इसमें ऐसे फोटो लेना है जिसमें उसका पुत्र किसी किनारे पर हो, सन ऑन वन एंड, तो सुनो सन एक जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे सवाल पढ़ के समझ में आ जाएंगे ना, कैसे फादर इन मिडिल पिताजी बीच में खड़े हो, दो 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 को लॉक किया जाएगा। हाँ तो एम एफ एस ठीक है। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन से हैं? एस एफ एम है ना ठीक है।
और इसके बाद लिखेंगे बाई फॉर्मूला पीई अपॉन एफ पीई और पी एफ कॉमन दो इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और एफ में है कितनी 2/6 आंसर आ गया। अब पहले ध्यान से सुनो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है के किसी प्रोबेबिलिटी पहले एक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी दो आएंगे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब जीरो से छोटी नहीं हो सकती और वन से बड़ी नहीं हो सकती सीधी सी बात कहां तक चलती है जीरो से लेके वन तक ठीक है पहली बात किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है तो इसको श्योर इवेंट बोलते हैं श्योर इवेंट माने ऐसा तो होगा ही होगा। अब देखो क्यों होगा अब सुनो प्रैक्टिकल में आ जाओ तुमसे जी कह दिया जाए तीन लोग हैं अब तीन लोग हैं तो उसमें से छह फोटो बन जाएंगे छह पिक्चर्स बन जाएंगी ठीक है इसका मीनिंग ये है कि तुम्हें जी बता दिया जाए मतलब यहां पर ई माने ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि एफ के बारे में बता दिया जाए अब जैसे तुमसे जी बोलो कि मैं जी कहूं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सन एक एंड पे हो सन और जी तुम्हें बता दिया जाए कि पिताजी बीच में खड़े हैं तो ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सन वन एंड मतलब सन किसी ना किसी एक एंड पे हो और पिताजी कहां पर हो बीच में तो सीधी सीधी बोलो एक मिनट पिता अब ध्यान से सुनना ऐसे कितने फोटो होंगे तुमसे जो बोला जाए कि पुत्र एक साइड में हो और पिताजी बीच में हो तो वो तो जो कह रहे हैं वही फोटो निकलेंगे पिताजी बीच वाले मतलब श्योर इवेंट हो गई उसकी प्रॉबर्टी बनाएगी बोले जहां तो प्रॉबर्टी का निकाला वो तो ऐसा तो हो ही होगा पिताजी अगर बीच में होंगे तो पुत्र यार याद याद इस किनारे पे होगा या इस किनारे पे होगा तो श्योर है तो श्योर इवेंट की प्रॉबर्टी क्या होती है बन निकल के आई भाई जैसे तुमने छह फोटो खिंचवाए अब उन्होंने कहा ऐसे फोटो निकाल के बताओ जिसमें पिताजी बीच में हो और पुत्र किसी एक एंड पे हो तो उन्हें बच्चे कौन सा सवाल पिताजी बीच में होंगे पुत्र या तो इस किनारे में होगा या इस किनारे में होगा श्योर हो गया श्योर माने प्रोबेबिलिटी बन और जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट ये भी समझ लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो कब आती है जैसे तुमसे कह दिया जाए कि एक डाई को थ्रो करो बोले कि तेरे को 1,000 रुपया दूंगा सात आ जा तो सात कैसे आ जाएगा से लेके 6 तक होता है उसमें है ना तो सात आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इम्पॉसिबल ऐसा हो गई नहीं यही तो लॉजिक है हाँ अब आ जाओ सवाल नंबर 10 ये है बहुत शानदार सवाल और क्लियर होगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 हाँ आज का लास्ट सवाल कर ये ब्लैक एंड ब्लैक लाइस ब्लैक एंड रेड लाइस आर थ्री ए अब ध्यान से सुनना जैसे पहले सवाल मैं पूरा पढ़ लूँ किताब को रख दूँ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग सम ग्रेटर देन 9 से सम इज ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाइस इज रिजल्टेड 5 देखो ए समझ लो प्रैक्टिकली
मैंने बताया प्रोबेबिलिटी बनाई है जेरुलामो कार्डानो ने मारे गैम, हाँ एक गैम्बलर था, उसने गेम ऑफ चांस बुक लिखी थी, लेकिन पहला बार जुआरी समझ के किताब पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने ऐसी ऐसी चीजें ले लिया कि सारी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो किताब काम आई, ठीक है। बाद में पब्लिश हुई उसकी किताब। हाँ तो सुनो, इसलिए प्रोबेबिलिटी के हर सवाल को गेम बना के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्स्ट प्रॉब्लम में तो फिर गेम बनाना पड़ता है। वो कैसे? तुम्हारे हाथ में, जैसे पीयूष के हाथ में एक ब्लैक डाइस दे दिया और एक रेड। सबसे पहले ब्लैक थ्रो करना है। अब मान लो ब्लैक अपन ने थ्रो किया, क्या आया? वन। फिर उसके बाद रेड डाइस थ्रो करना है और फिर आगे मान लो वन। तो ऐसी कितनी इवेंट्स बन सकती हैं? क्यों? 36 बनेगी ना? 6 1 6 2 6 3 6 6। इसका भी फॉर्मूला होगा, डाई में कितने फेस होते हैं? 6। तो यहाँ पर डाई में 6 फेस होते हैं। जो फेस होते हैं बेस में लेते हैं, जितनी बार थ्रो करेंगे उतनी पावर एन चलती है, तो 6 की पावर 2। भाई डाई तो 2 है ना, रेड कलर हो जाए ब्लैक कलर हो फिर तो 2 बार रहे ना, तो 6 की पावर 2 माने 36 सैंपल पॉइंट्स हो गए। अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बार और देखना, नहीं तो सॉल्यूशन पूरा बदल जाता है यार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9। हाँ सुनो ध्यान से, जैसे किसी ने, हाँ एक बार और सुनो ध्यान से, ब्लैक डाइस और रेड डाइस थ्रो किया, पहले ब्लैक फेंक रहे हैं फिर उसके बाद रेड। उसने कह दिया उस बात तुम मतलब जब जीतोगे जब दोनों डाइस का सम क्या क्या हो जाए? 9 से ग्रेटर। दोनों डाइस का सम क्या हो जाए? 9 से बड़ा। लेट इवेंट ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए उसको इवेंट ई मान लिया करो। सम ग्रेटर देन 9। हाँ अब से बताना, दोनों डाइस को फेंक रहे हैं तो एस, जैसे इनका टोटल कितना हो रहा है? हाँ जी। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो तुम जीतोगे सम ग्रेटर देन 9 के? 6 6 6 5 6 4। हाँ कौन पहुंचे सम ग्रेटर देन 9 माने 10 से स्टार्ट कर दो। हाँ। तो 10 में कौन कौन सा आ जाएगा? 5 5। हाँ। 6 4 4 6 10 11 12। चल फिर उसके बाद सम 11 वाला 5 6 6 5 और सम 12 वाला 6 6 6 6। यही बनेंगे क्यों? इन दोनों का टोटल ना 9 से अगर बड़ा हो तो जी वाले पॉइंट्स चलेंगे कि नहीं? हाँ। ये आएंगे तभी तुम जीतोगे। इवेंट एफ, हाँ इवेंट एफ उसको माना करो जो तुम्हें बता दिया गया है। उन्होंने क्या बता दिया कि ब्लैक डाइस पर 5 आ चुका है। जैसे सुनो गेम बनाऊ मैं, मेरे हाथ में एक ब्लैक डाई है एक रेड डाई है, मैंने ब्लैक थ्रो किया रेड डाई थ्रो किया और जी मैंने बता दिया पहले ही तुम्हें इसका मीनिंग, इस फॉर्मूले का मतलब यही होता है पीई अपॉन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, माने एफ के बारे में बता दिया जाएगा। तो क्या बता दिया जाए कि ब्लैक डाई पर 5 है, ब्लैक डाई पर 5 है। अब तुम बताओ कि सम ग्रेटर देन 9 हो इसके फेवर में तुम्हारे कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? कौन कौन से?
5, 5, 5, 6, 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 6
बिलेट डाई सो फाइव। हाँ तो ब्लैक डाई पर फाइव आना चाहिए, तो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर। भाई सुनो, जैसे मैंने कह दिया कि ब्लैक डाई पे फाइव है तो तुम्हारे माइंड में तो जी पॉइंट्स जाएंगे ना, फाइव वन आ सकता है, फाइव टू आ सकता है, फाइव थ्री आ सकता है, वो बाद की बात है। जीतने वाले पॉइंट्स तो तुम्हारे चाहिए केवल जे वाले, तो फाइव फाइव और फाइव जे आएंगे तभी जीतोगे। लेकिन मैंने जी कह दिया कि ब्लैक डाई पर क्या है पांच है, तो तुम्हारे माइंड में तो जी आएंगे फाइव वन हो सकता है, फाइव टू हो सकता है, फाइव थ्री हो सकता है, फाइव फोर हो सकता है, फाइव फाइव हो सकता है, फाइव सिक्स होता है। कॉमन का मतलब होता है जीतने वाले पॉइंट्स, फाइव फाइव ठीक है। तो अब थोड़ा एक बार फिर समझिए, सवाल तुमसे ये कह रहा है कि एक ब्लैक डाई एक रेड डाई को थ्रो किया है, अब तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ग्रेटर देन नाइन हो, जबकि तुम्हें ये बता दिया कि ब्लैक वाला डाई क्या शो कर रहा है फाइव। इसका मीनिंग ये मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि एफ की प्रोबेबिलिटी तुम्हें बता दी गई है, एफ वाली इवेंट के बारे में बता दिया गया है। तो कॉमन कितने हैं दो, तो टू अपॉन थर्टी सिक्स, और पी एफ कितना है सिक्स, सिक्स अपॉन तो टू बाई सिक्स वन बाई टू। तो इससे और ज्यादा क्लियर हुआ होगा इस फॉर्मूले का सेंस। अब तुम चाहो तो पूरी एक्सरसाइज खत्म करके ला सकते हो, और नहीं नहीं हो तो कम से कम 10 सवाल तक तो विद एग्जांपल्स लगाने। अब कल देखेंगे।